डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो ऐसे यूज़र्स को टास्क अलाउ करता है, यानी कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए उसके अंदर, डेटा डेफिनेशन, डेटा अपडेशन एंड डेटा रिट्रीवल एंड लास्ट वन इज़ यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन। ये चार ऐसे टास्क हैं जो कि डेटाबेस मैनेजमेंट के अंदर इस्तेमाल हो सकते हैं, उसकी इजाज़त है यूज़र को। एंड नेक्स्ट इज़ डेटा डेफिनेशन, यानी कि डेटा को डिफाइन कैसे किया जा सकता है, ये किस लिए इस्तेमाल होता है इसको एक्सप्लेन करेंगे फर्दर। इट इज़ यूज्ड फॉर क्रिएशन, मॉडिफिकेशन एंड रिमूवल ऑफ डेफिनेशन दैट डिफाइंस द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा इन द डेटाबेस। यानी कि डेटा डेफिनेशन जो है ये इस्तेमाल की जाती है क्रिएट करने के लिए और मॉडिफाई करने के लिए, कोई भी डाटा उसके अंदर कुछ भी चेंजेस वगैरह करनी हो उसको, या अच्छे तरीके से लेकर चलना हो या उसको रिमूव करना हो। ऑर्गेनाइजेशन कैसा डाटा, यानी कि जिसको हम डेटाबेस के अंदर डिफाइन कर सकें। डाटा अपडेशन, यानी कि अपडेटेड डाटा, यानी कि डाटा को हम किस तरह से अपडेट कर सकते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर द इंसर्शन, मॉडिफिकेशन एंड डिलीशन ऑफ द एक्चुअल डाटा इन द डेटाबेस। यानी कि ये इस्तेमाल किया जाता है इंसर्ट करने के लिए कुछ भी डाटा को, डाटा के अंदर कुछ भी जो एक्चुअल डाटा है उसके अंदर कोई भी नई चीज़ ऐड करने के लिए, या उसको मॉडिफाई करने के लिए, या डिलीट करने के लिए। एंड नेक्स्ट वन इज़ डाटा रिट्रीवल। अब डाटा रिट्रीवल किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, इट इज़ यूज्ड टू रिट्रीव द डाटा फ्रॉम द डेटाबेस विच कैन बी यूज्ड बाय एप्लीकेशंस फॉर वेरियस पर्पसेस। यानी कि डाटा को रिट्रीव करने के लिए डेटाबेस के थ्रू हम मुख्तलिफ किस्म के एप्लीकेशंस के अंदर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और मुख्तलिफ किस्म के वजूहात की तहत जो है ये इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन, इट इज़ यूज फॉर रजिस्ट्रिंग एंड मॉनिटरिंग यूज़र्स। यानी कि यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है और ये किस लिए इस्तेमाल होती है डेटाबेस के अंदर, ये इसलिए इस्तेमाल होती है ताकि कोई भी चीज़ें जो यूज़र्स जो हैं वो उसको देखा जा सके, उसको रजिस्टर्ड किया जा सके। जैसे कोई भी हम डाटा एंटर करते हैं तो वो सेव रहता है, वो किस तरह सेव रहता है, वो डेटाबेस एक बनाई जाती है जिसके थ्रू जो है वो डाटा हमारा सेव रहता है। डिफरेंट किस्म की फैक्ट्रीज़ वगैरह, स्कूल्स, कॉलेजेस, डिफरेंट जगहों पर जो है वो डाटा जो है वो सेव रहता है, जैसे कि नेम, रोल नंबर स्टूडेंट्स का और उसका एड्रेस वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं ये रिकॉर्ड रहती हैं एक एक डाटा के अंदर। नेक्स्ट आ जाते हैं मेंटेन डाटा इंटीग्रिटी, डाटा को मेंटेन रखना, इन्फोर्सिंग डाटा सिक्योरिटी, डीलिंग विद कंकरेंसी कंट्रोल, मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस एंड रिकवरिंग इन्फॉर्मेशन करप्टेड बाय अनएक्सपेक्टेड फेलियर। यानी कि डाटा को अच्छे तरीके से सिक्योर रखना और डिफरेंट किस्म का कंट्रोल रखना और परफॉर्मेंस पे फोकस करते रहना, इस तरह से चीज़ें जो हैं वो इन्फॉर्मेशन को रिकवर करना, कोई भी इन्फॉर्मेशन है वो बाय मिस्टेक डिलीट हो जाती है तो उसको रिकवर करना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो डेटाबेस मैनेजमेंट के अंदर आती हैं। यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इसको कवर अप करता है, या आप ये भी कह सकते हैं कि वो रिकवर करता है इन्फॉर्मेशन को। एंड टुडे माई टॉपिक इज एंड। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।